हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिवीज़न के एक और आगे स्टेप में जाएंगे और एडवांस क्वेश्चंस में जाएंगे। इसके पहले वीडियोस में हमने डिवीज़न के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पूरा एक प्रोसेस रहेगा और उसमें कुछ नंबर मिसिंग रहेंगे, उन मिसिंग नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो 24 से डिवाइड किया जा रहा है 1152 और आ रहा है 4 ब्लॉक। ब्लॉक में हमको फाइंड आउट करना है 96 माइनस 1 9 ब्लॉक, इसमें भी ढूंढना है हमको 1 ब्लॉक 2 और ये क्रॉस। तो इसमें हमको ब्लॉक ढूंढने हैं कि ब्लॉक में क्या आएगा। तो देखिए 24 का टेबल तो आता नहीं है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख लेंगे हम लोग। 24 into 1, 24 into 2, 24 into 3, 24 into 5, 24 into 6, 24 into 7, 24 into 8, 24 into 9 and 24 into 10। ये कितना होगा? 24 2 जा 48, 3 जा 72। अच्छा, 4 गायब हो गया कहीं, तो यहीं लिख देते हैं कि 24 into 4 इज इक्वल टू 96, 24 5 जा 120, 24 6 जा 24, 2 6 2 जा 12 2 14, 7 4 जा 28, 8 2 7 2 जा 14 और 2 16, 8 4 जा 32, 2 3 8 2 जा 16, 3 19, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18 और 3 21, 9 4 जा 36, 6 3 9 2 जा 18 और 3 21 और देन 2 40। ये हमारा 24 का मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग ने लिख लिया। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। देखिए सिंपल, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे जो मिसिंग नंबर है। तो 24 से हमने थोड़ा सा नीचे से करते हैं, शायद यहाँ ब्लाइंड स्पॉट आ रहा हो। तो 24 से हमने 1152 को डिवाइड किया, तो देखो अब 11 में जाएगा नहीं, तो 5 वाली डिजिट हम लोग काउंट कर लेंगे, तो 115 देखो इसमें आ रहा है, 120 आ रहा है, 120 से कम 96, यानी कि 4 टाइम्स, तो ये हो गया 96। माइनस किया, 5 माइनस 6 नहीं होगा, कैरी लेंगे, 15 माइनस 6 9 होगा, यहाँ बच गया 10, 10 माइनस 9 1। अब क्या करेंगे, ये वाला हम लोग डिजिट नोट डाउन कर लेंगे, 192, क्या 192 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए, यानी कि 24 8 जा 192 और ये ऐसे। अब चलिए बॉक्स की बात करते हैं, तो देखो 4 के बाद क्या था, तो बॉक्स में हमारा मिल गया 8, देन 190 के बाद क्या था, तो मिल गया 2 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ये। तो ये हमारे बॉक्स के मिसिंग नंबर्स हमको मिल गए आसानी से। ठीक है, आसान तरीका है ना, सिंपल, आप डिवीज़न करिए और उसके बाद बॉक्स ढूंढ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेंटी फाइव से डिवाइड कर रहे हैं 2236 और लिखा है 8 200
अभी ब्लॉग बना रहे हैं। टू थ्री टू हंड्रेड अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। 225 एंड ठीक है बॉक्स बनाने हैं हमको, तो बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। ये एक बॉक्स है, उसके बाद ये एक बॉक्स है, एंड उसके बाद ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो अब 25 का टेबल तो जनरली आता है, तो 25 का टेबल अगर आता है तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। 25 से डिवाइड करना है 2236। तो अब देखो 25 में 223, इससे कम क्या होगा? 225, इसके 25 नाइन ज़ा 225 होता है, लेकिन 225 ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम यानी कि 8 ज़ा 200 माइनस करेंगे 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2, और ये नोट डाउन करेंगे 6। अब 225 टेन ज़ा 250 करेंगे, ये ज़्यादा है, इससे कम 225 नाइन ज़ा 225 माइनस करेंगे 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1। ठीक है, चलो अब बॉक्स देखते हैं। बॉक्स पहला हमारा 8 के बगल में था, तो ये 8 के बगल में बॉक्स, फिर हमारा 3 के बगल में इधर बॉक्स था, तो 3 के बगल में बॉक्स, देन आफ्टर यहाँ पे एक बॉक्स था, तो ये एक बॉक्स, तो ये हमारे 3 बॉक्स हमको इसके जो मिसिंग नंबर हैं वो मिल गए एकदम आसान तरीके से। समझ आ गया, आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। देखो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ा रहे हैं, 68 से डिवाइड किया जा रहा है 6 6 2 4 2 5, और हमारे पास है -6 1 2 5 0 4 4 6। अभी बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि अलग कलर से बनाते हैं इसलिए। 282 -272 अपॉन 05 -687। चलो बॉक्स देखो कहाँ कहाँ बनाने हैं हमको। एक तो बनाना, अच्छा यहाँ पे भी लिखना था हमको 971 बॉक्स बनाना है, यहाँ बॉक्स बनेगा। उसके बाद फिर एक बॉक्स ये बना है, उसके बाद फिर एक बॉक्स ये बना है, एंड देन उसके बाद एक बॉक्स ये बना है। अच्छा इन बॉक्स में कुछ नाम है, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस। पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है, और निकालने के बाद हमको एक नोटेशन दी है, उस नोटेशन की वैल्यू निकालनी है। पी प्लस क्यू इंटू एस डिवाइडेड बाई आर, इस नोटेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चले करके देखें। तो पहले 68 का टेबल तो आता नहीं, तो 68 का टेबल लिख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन टेबल 68 × 1 68 × 2 68 × 3 68 × 4 68 × 5 68 × 6 68 × 7 68 × 8 68 × 9 एंड 68 × 10। ये कितना हो गया, 68। 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 3 8 24, 4 2 3 6 18 और 2 20, 4 8 32, 2 3 4 6 24 और 3 27, 5 8 40, 0 4 5 30, 34, 6 8 48, 4 6 36 और 4 40, 7 8 56, 6 5, 7 6 42 एंड 5 47, 8 8 64,
सिक्स, एट सिक्स ज़ा 48, 48 और सिक्स, फिर से देख लो, एट एट ज़ा 64, फोर सिक्स, एट सिक्स ज़ा 48, 48 और सिक्स 54, नाइन एट ज़ा 72, सेवन, नाइन सिक्स ज़ा 54, 54 और सेवन 61, एंड सिक्स एट ज़ा 68 टेन ज़ा 680, ठीक है। चलो ये हो गया, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल के बाद में डिवाइड करते हैं। ज़रा डिवाइड करके देखें, 68 में 66 टू फोर टू फाइव, इसकी तो 66 में तो जाएगा नहीं 68 का टेबल से, तो 66 में टू वाली डिजिट भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि अब हो जाएगा 662। तो 662 में देखो 680 से कम है, तो 680 से कम वाला ले लो 612, इसके बाद में तो नाइन्जा माइनस 612, माइनस करेंगे 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5, और ये नोट डाउन कर लेंगे 4। अब 504 देखो कहाँ पे आ रहा है, 544 बहुत ज़्यादा है, इसके नेक्स्ट फोर, इसके लास्ट जो है वो 476 है, यानी सेवनजा 476, माइनस करेंगे तो 44 में माइनस 6 होगा नहीं, तो कैरी लेंगे हो जाएगा 14, 14 माइनस 6 8, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 माइनस 7 2। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये 2 उतार लेंगे। अच्छा 282 देखो, 282 272 यहाँ पे है, फिर 340, 340 बहुत ज़्यादा है तो 272 लेंगे, यानी कि 4 ज़ा माइनस 272, कितना आया 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 7 1, ठीक है। अच्छा अब ये हम लोग उतार लेंगे 5, अब देखो 105 तो है नहीं हमारे पास में, 136 के पहले सबसे छोटा क्या हो जाएगा 68, तो यहाँ वनजा आएगा माइनस 68, कितना बचेगा 5 माइनस 8 हो नहीं सकता, तो 15 माइनस 8 7 कैरी लेके, यहाँ 9 माइनस 6 37, ठीक है। अच्छा चलो अब देखते हैं हम लोग कि बॉक्स कैसे होंगे, तो 9 7 के बाद P बचा है, तो ये हो गया ये बॉक्स, देन 50 ये है Q, उसके बाद ये है R, एंड देन आफ्टर ये है S, तो ज़रा अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखो ज़रा P की वैल्यू कितनी देर हो गई हमारे पास 4, Q की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 7, R की वैल्यू कितनी हो गई 1, और S की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो नोटेशन है हमारे पास में P प्लस Q इंटू S डिवाइडेड बाई R, ठीक है, ये नोटेशन दी है। अब इसमें पी क्यू आर एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, P की वैल्यू कितनी है 4 प्लस Q की वैल्यू कितनी है 7 इंटू S की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 1। अच्छा तो अब इसमें D मास का यूज़ करेंगे और पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट को, इस वाले को, तो 4 प्लस 7 इंटू 3, क्योंकि 3 में 1 का डिवाइड हो रहा है तो 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई का यानी कि ये तो आ जाएगा 4 प्लस 21 यानी कि 25, तो 25 इस रोटेशन का आंसर आ जाएगा। बात समझे, क्या करना है, पहले आपको अगर टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है, देन आफ्टर आपको सिंपल तरीके से जैसे डिवीज़न मैंने सिखाया है उस तरीके से डिवीज़न करना है। डिवीज़न करने के बाद फिर हम लोग देख लेंगे कौन से नंबर मिसिंग है, वो नंबर मिसिंग फाइंड आउट करने के बाद जो नोटेशन दी है उसमें वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। चलो एक इस तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 305, अब 3 डिजिट का ले रहे हैं, 2 डिजिट का तो ऐसे कर ही लोगे, 402 468, आ रहा है 119, अभी बॉक्स बनाने बाकी हैं,
माइनस 305.74 माइनस 915.96 माइनस 305.29182.45173। अब बॉक्स जरा बना ले, तो बॉक्स पहले हमारा यहाँ है और इसमें P लिखा है, देन आफ्टर उसके बाद बॉक्स यहाँ Q पे है, देन आफ्टर उसके बाद हमारा बॉक्स यहाँ पर है, एंड देन आफ्टर हमारा बॉक्स S यहाँ पर है। तो पी क्यू आर एस ये हमको निकालना है, और नोटेशन जो है वो है R प्लस Q डिवाइडेड बाई P माइनस S, R प्लस Q डिवाइडेड बाई P माइनस S, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो 305 का टेबल तो नहीं आता होगा, तो 305 का टेबल हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख लेते हैं। 305 इंटू 1, 305 इंटू 2, 305 इंटू 3, 305 इंटू 4, 305 इंटू 5, 305 इंटू 6, 305 इंटू 7, 305 इंटू 8, 305 इंटू 9 एंड 305 इंटू 10। चलो ये हो गया 305, और ये हो गया 25 ज़ा 10 0, 1 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 35 ज़ा 15 1 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 45 ज़ा 20 0 2 4 2 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 55 ज़ा 25 2 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 65 ज़ा 30 0 3 6 3 ज़ा 18, ये होगा 75 ज़ा 35 35 7 3 ज़ा 21, 85 ज़ा 40 0 4 8 3 ज़ा 24, 9 5 ज़ा 45 5 4 9 3 ज़ा 27 एंड 3050। ये हमारा टेबल तैयार हो गया 305 का। अब हम लोग सिंपल डिवाइड करते हैं, 305 में से डिवाइड करते हैं 42468। चलिए अब देखिए 402 हम में जाएगा वन टाइम, तो वन टाइम माइनस 305 किया तो कितना माइनस आएगा, 2 माइनस 5 तो होगा नहीं, तो अब कैरी लेंगे तो 12 माइनस 5 7 और यहाँ बचा 9। अब ये हम लोगों ने नोट कर ली, तो अब 974, देखो 974 कहाँ कुछ आ रहा है, 1220 आ रहा है बहुत ज़्यादा है, इसके थोड़ा सा कम 915 यानी 915, ये हो गया 14 माइनस 4 माइनस 5 जाएगा नहीं, तो कैरी लेंगे 14 माइनस 5 9 या 6 माइनस 1 5। अब हम लोग ये 6 उतार लेते हैं, ठीक है, तो 6 उतारने के बाद अब 596 देखो कहाँ जा रहा है, 596 610 हमारा है और उसके पहले 305 है, तो वनजा ही जाएगा, तो माइनस 305, ये हो गया 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 3 2, और अब हमने ये नोट डाउन कर लिया 2918। अब देखो लास्ट टेंथ हमारा है 3050, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके एक ऊपर जाएंगे 2745 मिल जाएगा, यानी कि 9 टाइम्स हमको मिलेगा, तो 9 टाइम्स मिलेगा 2745 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 4 होगा नहीं, एक कैरी लेंगे तो 11 माइनस 4 7 और यहाँ बचेगा 8, 8 माइनस 7 1, तो 173। चलिए अब हम लोग बनाते हैं बॉक्स, तो बॉक्स हमारा पहले है ये, P की वैल्यू 3 हो गई, फिर Q की वैल्यू हमारी 9 हो गई, देन R की वैल्यू हमारी 5 हो गई एंड S की वैल्यू हमारी 7 हो गई, ठीक है, पी क्यू आर एस मिल गया। चलो इसको मिटा देते हैं, अब देखो जरा P की वैल्यू हो गई 3, Q की वैल्यू हो गई 9,
आर की वैल्यू हो गई 5 एंड एस की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। तो नोटेशन है हमारे पास आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी माइनस एस। आर की वैल्यू 5 प्लस क्यू की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू 3 माइनस एस की वैल्यू 7। तो पहले डी मास का यूज़ करेंगे और डी मास के हिसाब से पहले हमारा डिवाइड होगा, यानी कि दिस वन। तो 5 प्लस 9 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 माइनस 7। अब करेंगे एडिशन डी मास के हिसाब से, तो 5 प्लस 3 8 माइनस 7 यानी कि 1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। तो देखा बच्चों कितने आसान तरीके से ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाते हैं। बस करना आपको ये है कि पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख लीजिए, अगर बड़ा नंबर आता है तो बट ओबियस से बड़ा ही नंबर आएगा। उसके बाद आप सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वैसे आप डिवाइड करिए एंड देन आफ्टर आप डिटरमाइन करिए, पहचानिए कि कौन से मिसिंग नंबर हैं। वो मिसिंग नंबर मिलने के बाद जो भी नोटेशन दी हो उसमें उनकी वैल्यू पुट कर दो और आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बच्चों इससे रिलेटेड आपको आपके अपने चैट बॉक्स में, मतलब ग्रुप चैट में व्हाट्सएप पे एक क्विज का लिंक भी मिलेगा जिसे आपको अटेम्प्ट करना है। आगे के वीडियोस में डिवीजन के और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।